मैदान पर उस समय हड़कंप मच गया जिस समय कुछ लाठीधारियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। हालांकि पुलिस कर्मी इनसे निपटे लेकिन देखने वालों को हैरत हुई, लेकिन बाद में पता चला कि यह मॉक ड्रिल था। पुलिस लाइन में दंगा निरोधक यंत्रों व तलवार ड्रिल का अभ्यास पुलिस कर्मियों को कराया गया। अभ्यास के दौरान एसपी विपिन कुमार मिश्र, एसपी समेत सभी क्षेत्र अधिकारी एवं थाना प्रभारी भी वहां मौजूद रहे। इस अभ्यास के दौरान सभी पुलिस कर्मियों को बलवा या दंगा में दौरान पुलिस की तरह से की जाने वाली कार्रवाई को अलग अलग टीम बनाकर प्रदर्शित किया गया है। पुलिस लाइन में आयोजित मॉक ड्रिल के तहत फेंके गए आंसू गोले के कारण पुलिस लाइन के पास से निकली सड़क पर और आसपास मौजूद लोगों के आंखों में आंसू भी निकलते रहे। हरदोई से सुनील कुमार जी की खास रिपोर्ट। धुआं लगने से आंखें बिल्कुल निकलने लगी, बच गया नहीं एक्सीडेंट हो जाता और सांस लेने में बहुत दिक्कत प्रॉब्लम हुई सांस लेने में। ऐसा पुलिस को नहीं करना चाहिए जैसा किया, अगर करना तो साले रात में अपना प्रयोग करते, ऐसा दिन में नहीं करना चाहिए कि एक्सीडेंट हो जाए सैकड़ों आदमी मर सकते हैं। इतना आंसू गए यहाँ पर तो मैं नहीं, उधर मैं अपने घर पे था, वहाँ पे थोड़ी देर पहले ही जैसे बाहर एक बच्ची बुलाने के लिए आई कि पता नहीं क्या हुआ, वायर जल रहा है क्या हुआ, मैं गया घर पे देखने के लिए उसके, वो एकदम से जैसे आंखों में जलन होने लगी, गले गले में खराश आने लगी थी, पूरा छत पे निकला तो और तेज हो रहा था। अभी इधर साइड में आया तो पता चला कि पुलिस लाइन में आंसू गैस के गोले छोड़े गए, कुछ प्रशिक्षण वगैरह चल रहा था, बहुत तकलीफ हुई इसके वजह से। देखा क्या, गाड़ी एकदम आंखें मिच गई हमारी और गाड़ी गिरने से बच गई हमारी, फिर तुरंत बैक करा हमने, नल देखा, तुरंत धोया आगे मुंह, पूरा कल्लाट मच गई चेहरे पे। यहाँ पर ये धुआं ही नजर आ रहा है, क्या है मामला? अरे पुलिस लाइन में आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वो हम लोगों को पता ही नहीं था, लोग जा रहे थे उसी चक्कर में ये सब हुआ। क्या हुआ उसके बाद आंखों में कैसा महसूस हो रहा है? आंखों में क्या, एकदम आंखें मिच गई हमारी, गाड़ी गिरते गिरते मच गई, कल्लाट मच रही पूरे चेहरे में। तत्वों को से निपटने के लिए जो है ये मॉक ड्रिल आज यहाँ कराई गई थी, जिसमें दंगा नियंत्रण योजना और बलवा ड्रिल दोनों का भी अभ्यास कराया गया है। सारे थाना अध्यक्षों की मौजूदगी में उसका प्रदर्शन भी कराया गया था, थाना अध्यक्षों से उसका अभ्यास भी कराया गया, सो दैट कि इस तरह की इमरजेंसी में जो है वह खुद ही अपनी फोर्स का नेतृत्व करते हुए उपद्रवी तत्वों से जो है पूरी तत्परता से निपट सके।